नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर के मारूफ और मिल्ली हमदर्द अलहाज मुनव्वर शरीफ साहब को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया है। अलहाज मुनव्वर शरीफ साहब स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल कंसल्टेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनको हाल ही में इनके मिल्ली समाजी और कारोबारी खिदमात पर इन्हें कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी अमेरिका की जानिब से डॉक्टर ऑफ बिजनेस DB की एजाजी डिग्री से नवाजा गया है। हफ्ते के दिन दिल्ली के होटल ताज पैलेस में मुनक्कद यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट का एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था। एक तकरीब मुनक्कद की गई थी जिसमें फलस्तीनी सिफारतखाना दिल्ली के सफ़ीर बिसम यफहास और यूनियन ऑफ कमवर्सोस के काउंसल जनरल इज़्ज़त माप के यल गोंजो ने मुनव्वर शरीफ को इस डॉक्टरेट की डिग्री पेश की। इससे कबल भी मुनव्वर शरीफ ने मख्तलिफ अवार्डों को हासिल किया है और एजाजात से इनको नवाजा गया है। मुनव्वर शरीफ साहब बेंगलुरु ही नहीं बल्कि कर्नाटक की एक मारूफ शख्सियत है जो यूज़ कारों का तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं और इस तिजारत को उन्होंने रियासत कर्नाटक में बहुत फ़रोग दिया है। इस स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल कंसल्टेंट में कार ख़रीदने के लिए न सिर्फ रियासत कर्नाटक बल्कि आंध्रा, तमिलनाडु, यहाँ तक के दिल्ली से लोग आकर इनके कारों को ख़रीदते हैं। बड़ी उम्दा कारें देते हैं, पसंदीदा कारें लोगों को देते हैं जिससे इनके इस कंपनी के पर लोगों का बहुत बड़ा एतमाद है। इस एतमाद के साथ साथ इनको मुख्तलिफ महकमों के जानिब से, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से इनको हर साल कोई ना कोई अवार्ड दिया जाता है। इनके इस्तेमाल शुदा देसी यानि हिंदुस्तानी कार और इम्पोर्टेड कारों में ये हमेशा तिजारत करते रहते हैं और ज़्यादा मसरूफ़ भी रहते हैं। इन्हें ये कारोबार विरासत में मिला है। इनके वालिद ने इस कारोबार को 70 साल कबल शुरू किया था। अब मुनव्वर शरीफ और उनके फर्जंदान मुदस्सिर शरीफ और मुदब्बिर शरीफ इस कारोबार को संभाल रहे हैं, इस कारोबार को इम्प्रूव कर रहे हैं। इस कारोबार को इन दोनों बेटों ने वक्त ही डेवलप करके बताया है। आज स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल कंसल्टेंट में हमेशा 200-300 कार सेल के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। इनके पास हर रेंज की देसी और इम्पोर्टेड कार हमेशा दस्तियाब रहते हैं। इस पुर मुसरत मौके पर रियासत कर्नाटक के तमाम मुसलमानों की जानिब से, बिलखसूस एहरियान बेंगलुरु की जानिब से इनकी खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। इन्होंने इस बेंगलुरु के नाम को हिंदुस्तान के नक्शे में ऊंचा कर दिखाया है। इसलिए लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल और लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ पेपर की जानिब से और पूरे अमले की जानिब से इनकी खिदमत में मुबारकबादी पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए। इस कारोबार और तिजारत को न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि रियासत भर में इस तिजारत को फ़रोग मिले, इस तिजारत से लोग फ़ायस पाए, इस तिजारत से लोगों को आमदनी हासिल हो, ये हम दुआ करते हैं। और मुनव्वर शरीफ साहब को फिर एक बार हर साल अवार्ड हासिल करने में मुख्तलिफ इदारे इन्हें इज़्ज़त से, शोहरत से नवाजते रहते हैं। इस पुरमसरत मौके पर तमाम की जानिब से इनके खिदमत में मुबारकबादी पेश की जाती है और इनके मिल्ली समाजी और सियासी खिदमात भी बेमिसाल हैं। हर वक्त हर किसी को और गरीबों को, लाचारों को, मजबूरों को मदद करना इनकी एक आदत है और बिलखसूस ये इसलिए भी मशहूर हैं
कि यह एक ख़ानदान परवर शख्सियत जिनका नाम मुनव्वर शरीफ साहब है। ये अवार्ड कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से हिजाज़ी अवार्ड मुझे नवाजा गया है। और ये कहा ये और ये मुझे पता बिल्कुल पता नहीं था, ये कॉल आया। कॉल आने के बाद जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटीज़ बोले, फॉर्मेलिटीज़ करके जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं खुद बहुत परेशान था। इतने बड़े बड़े लोग थे उधर, दिल्ली में मैं गया, दिल्ली में बुलाया गया तो इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा ज़ोर से बहुत बड़ा फंक्शन था। मैं भी देख कर बहुत ताज्जुब हुआ। उसमें मिस्टर गंजू जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया है वो काउंसिल यूनियन ऑफ कॉमर्स के काउंसिल जनरल हैं उन्होंने, और अनाउंसर कुछ फिल्म एक्टर इन्हें मिस इंडिया के आहूजा चिमरान करके वो भी थी, मतलब कोई औरत थी, उनसे भी मुलाकात हुई मेरे से। मेरे को यह तो एक हिसाब से कुछ जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं। मेरी ये अवार्ड है, मेरा ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अवार्ड है, और मैं जो मेरे खुद से मैं 50 साल इस फील्ड में, मोर देन 50 इयर्स 50 साल से पुराना बहुत काम किया, और मुझे इतनी ये महसूस हो रहा कि मुझे और देख कर काम करना और ज़िम्मेदारी मुझे इस फील्ड में और बढ़ती गई। नए नए कुछ ये मैं पेश करना है, मैं सोच में हूँ, फिक्रमंद हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि इसे और आगे बढ़ाएँ और यंग जनरेशन को और आगे साथ लेकर आएँ। नहीं, इस प्रोग्राम में यानी जहाँ आपको अवार्ड दिया गया, यहाँ के गेस्ट कौन बोल रहे? गेस्ट आगे मिस्टर गुंजू करी यूनियन, ये ऑनररी कॉमर्स अमेरिका में है उसके थे, और कुछ फिल्म एक्टर्स थे, और बड़े बड़े लीडर्स थे, अफगान के थे, कीनिया के थे, बहुत ऑफिसर्स थे, उनके सामने मुझे अवार्ड पेश किया गया। फिल्म इंडस्ट्री से सिमरान आहूजा है जो उसके करंट फिल्म में आ रही है, वो मिस इंडिया 2013 की मिस इंडिया है। पूरे इंडिया से आप ही को क्यों चुना गया? वजह कुछ भी नहीं है, मेरी मेहनत का फल है। मोर देन 55 साल तो मैंने काम किए है। ये तो अंदेजा पूरे हिंदुस्तान में सब आदमियों को मालूम है, स्पेशली कर्नाटका, स्पेशली बेंगलोर में हर आदमी को मालूम है जो नए नए कॉन्सेप्ट इस फील्ड में मैंने लाया है, यानी कि संडे कार बाज़ार, डेली कार बाज़ार, ऐसा सब लाना। अभी मुझे ये बहुत फिक्र हो गई है कि इस अवार्ड को पाने के बाद मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी बन गई है कि मैं कुछ आगे न्यू जनरेशन के लिए कुछ और सिखाएँ। क्या सिखाना चाहते हैं न्यू जनरेशन को इस बिजनेस लाइन में, उनको तरक्की देने के वास्ते क्या मंसूबा है? नहीं, आज के माहौल के हिसाब से जो नए नए कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि माहौल बहुत बदला हुआ है। मेरे दौर में कुछ माहौल था, बीच में 10 साल पहले कुछ माहौल था, आज कुछ और माहौल है। ये माहौल के हिसाब से ईमानदारी के साथ, बगैर धोखेबाजी के साथ सही काम चले तो मेरे ख्याल से ये बहुत जनरेशन टू जनरेशन ऑटोमोबाइल नेवर एंडिंग स्टोरी है। ऑटोमोबाइल ये यूज़ कारों में जी सिर्फ आप ही का नाम बड़ा मकबूल रहा जी, और इसके साथ साथ इसमें इस बिजनेस में आपने अच्छा कमाया भी है जी, न सिर्फ नाम शोहरत इज्जत बल्कि दौलत भी कमाई है, इसके वजह क्या? नहीं, नाम के साथ मैंने कमाया है, मैंने सोशल एक्टिविटीज़ बहुत किए हैं मेरी ज़िंदगी में। मेरा मकसद ये था, पैसा नहीं था, मेरा मकसद हर आदमी जानता है, नाम के साथ, नाम के लिए मैं हर चीज़ कर देता हूँ। इनके उनको बैकग्राउंड सही नहीं मिल रहा, सही रूट नहीं मिल रहा, मेरे पास जितने भी स्टाफ था अल्लाह के फजल व करम से सब उनका ताउन, उनका साथ, फिर ये इंडस्ट्री के कुछ आदमी हैं उनका साथ, उसी की तरफ से मैं ये लेवल तक आया हूँ। और मेरे दो बच्चे हैं, उनकी भी एक्सपीरियंस 25 साल 20 साल के ऊपर हो गया, मुदस्सिर शरीफ और मुदब्बिर शरीफ। इंशाल्लाह आइंदा इसका बागडोर वही संभालेंगे। आपका पहला अवार्ड कौन सा? मेरा ये इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल का है अवार्ड, दिल्ली का है, दिल्ली का ऐसे कई अवार्ड है मेरे, बहुत अवार्ड है, एक 7-8 अवार्ड है मेरे पास, और प्राइड ऑफ इंडिया भी है मेरे पास, बहुत ऐसे कई बहुत हैं अवार्ड। और इतना मकबूल होने के बावजूद आपने सियासत में क्यों ख़त्म नहीं किया? सियासत में वक्त मेन क्या है, सियासत में वक्त देना चाहिए बहुत, उतना आसान नहीं है सियासत में बहुत काम करना है, बहुत उसे वक्त देना है। मेरे पास बिजनेस के लिए वक्त बहुत, मैं इसीलिए वक्त बहुत दिया, और साथ साथ मेरे कुछ बंदे हैं मेरे साथ लगे हुए हैं,
उन्होंने मुझे कभी भी फोर्स करते कि सियासत में आओ, मैंने टच करके रहूँ इंशाल्लाह, मैं बहुत टच करूँ, आइंदा भी कोशिश करूँगा मैं। अच्छा, बेंगलोर में मुनव्वर शरीफ एक ब्रांड नेम है जी, स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड का ब्रांड है, स्टैंडर्ड कंपनी एक ब्रांड नेम है जी जी। इतना नाम कमाने के बावजूद लोग बगैर नाम के सियासत में घुस रहे हैं, आप क्यों खामोश? नहीं, इसमें क्या है, हमारे वालिद का पहले ये कंपनी का असर पहले हमारे वालिद के नाम से होता है, अब्दुल कादर साहब जो मरहूम 1949-40 से शुरू किए थे, मैंने संभाला 1972 में, मेरे बच्चे आज से 25 साल पहले उनके हैंडओवर में कर दिया, 20 साल पहले, उनकी एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह आइंदा वो संभालेंगे इस धंधे। अच्छा, इस अवार्ड से आपको फ़ायदा क्या? फायदा एक दिल का एक बोझ, यानी जो बोझ रहता है इंसान को, जो इनाम मिलता है, मुझे आज मिल गया इस अवार्ड से, ज़िंदगी का डॉक्टरेट खुशी, यानी डॉक्टरेट तो अब तो बतना आसान नहीं है। मैंने इस मीटिंग में, इस फंक्शन में मैं सुना बड़े बड़े आदमियों से, इसलिए डॉक्टर को तो एक स्पेशलिस्ट रहता है एक आदमी का, मुझे जो अवार्ड दिया खाली एक इससे नहीं, कार से है, कुछ आदमियों के कॉन्टैक्ट से है, बहुत चीज़ें हैं इसमें, डॉक्टरेट उतना आसान नहीं है। अच्छा, शहर का आप एक मोतबर नाम है जी, आपको लोग बहुत जानते हैं जी, पहचानते हैं जी, मिलत के कामों में हमेशा जी बढ़ जी। इस वक्त इलेक्शन होने जा रहा है कर्नाटक जी, मुसलमानों ने कर्नाटक को आपकी क्या हिदायत दावत? मेरा मैसेज ये है कि अपनी कौम को, जो भी अच्छी पार्टी है, जो भी अच्छा काम करते हैं, करने वाले हैं, उनको आप वोट दीजिए। मुस्लिम की आदत पर आप जी 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 बिल्कुल, क्या चाहते हैं मुस्लिम की आदत, जहाँ अब 28 की आसात हो गई है, इस तरह से आपका क्या? ये सब हम लोगों में ना इत्तेफाक का ये है, ये नहीं तो वरना इतना एक दौर था मुसलमानों का बहुत, अभी ना इतना कंप्लीट चेंजेस हो गए हैं, हमारे में डिफरेंट ग्रुप्स हो गए हैं, इसकी वजह से ये सब ऑटोमेटिक होता है, बस सामने वाले देखते हैं, ये सब यूनिटी नहीं रहे तो ये सब होता है बस।